शेर घाटी अनुमंडल के बाके बदर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के छठे चरण के लिए जिला परिषद क्षेत्र के संख्या 27 से निवर्तमान जिला के उम्मीदवार जनता के दिल में बसने वाले युवा अयूब अली ने नामांकन किया। इस मौके पर नामांकन के बाद जिला के उम्मीदवार अयूब अली ने बताया कि मैं 2016 में नामांकन किया था, जिसमें जनता जनार्दन ने मुझे भारी बहुमत से विजय दिलाया। आज भी हमारे नॉमिनेशन में जनता का जनसैलाब उमड़ा है और आज भी हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है। और उन्होंने बताया कि हमारे बाकी बाजार प्रखंड क्षेत्र के लुटुआ, बरहत्ता, रोशनगंज और तिलैया पंचायत हमारे क्षेत्र में आता है और सभी पंचायत की बारी बारी से समस्या का निदान किया हूँ और बच्चे सभी बाकी कार्य को भी पूरा करूँगा। बाहर हल्ला बंद कर दीजिएगा। हाँ सर, पाँच आशीर्वाद जिला पार्षद है। आप अपनी क्षेत्र को ग्रामीणों को क्या दिल जीतने का काम किए हैं? देखिए, मैं बस इतना ही कहूँगा कि जब पिछले बार 1 अप्रैल 2016 को मैंने नामांकन किया था, तब हम लोग 10-5 बुद्धिजीवी और लगभग 150 लोग हमारे आए थे। आज ये दिख रहा है कि जो मेरे एक चारों पांचों पंचायत से, लुटुआ से, तिलैया से, बरहता, बिहरगाई, पांचों पंचायत से जिस तरह से जन सैलाब उठ करके आशीर्वाद देने आया, ये आप खुद देख सकते हैं कि मेरा इनके साथ कितना अच्छा व्यवहार रहा है, कितना अच्छा इनके साथ मेरा संस्कार रहा है। मैंने इनका जो भी जिम्मेवारी के साथ मेरा था, क्योंकि जिला परिषद एक सम्मानित पद है, मैंने सम्मानित ढंग से और जो मेरी जिम्मेवारी थी, मैंने उसके इतने ढंग से चलाया कि आज सारे लोग, तमाम लोग जुटे हुए हैं। इस बार आप किस उद्देश्य के साथ चुनाव मैदान? देखिए, उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ जो मेरा पांचों पंचायत है, लुटुआ पंचायत की अगर आप बात करें तो उसकी भौगोलिक स्थिति अलग है, उसकी अलग समस्या है। प्रखंड के अंदर ही अलग अलग पंचायत की अलग अलग समस्या। तिलैया में आप जाएंगे अलग समस्या मिलेगा, बरहेता में अलग है, बिहरगाई में अलग है, रोशनगंज में अलग है। हम लोग आए पिछले लगातार 5 साल हमने लुटुआ पंचायत में सड़कों बनाने को लेकर के, सड़क बनाने को लेकर के हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया। उसके संबंधित विभाग से हम लोगों ने लगातार संघर्ष करके आज लुटुआ में कम से कम 20-25 किलोमीटर की सड़क बनी हुई है। सुदूर इलाका सुंदाहा तक चले जाइए, 3-3 पुलिया का काम लगा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरी जिम्मेवारी है, ये सरकार के द्वारा, लेकिन हम लोगों ने लगातार इसके लिए संघर्ष किया, संबंधित विभाग को और अपने सदन में लगातार अपने यहाँ के जो भी पंचायत की समस्या थी उसको हम लोगों ने रखा। अब आज कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि आप डुमरामा मोड़ से देखिए डोंगला नवाड़ी, आप डुमरामा मोड़ से महापुर तक, इधर आप देखें बरहेता बिहरगाई, बरहेता में हम लोगों ने एक सिजुआ चेकडेम आर लगभग 200-300 एकड़ आज उसे जो है वो किसानों को सिंचाई हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जिसको मैंने पिछले बार किया। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जिस ईमानदारी से मैंने 5 साल निभाया है, मैं आने वाले 5 साल नहीं, जब तक मैं यहाँ जिंदा हूँ, मैं अपने लोगों का कर्जदार हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने वोट एक बार दिया, जिला परिषद बनाया, फिर दे ना दे या आगे मैं किस स्थिति में रहूँगा, किस पद पर रहूँगा, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं इनका क्षेत्र संख्या 27 बाके बाज़ार तमाम मतदाता का, मैं पिछले बार चुनाव जीता इसलिए मैं कर्जदार हूँ। जब तक जिंदगी रहेगी मैं इनकी सेवा करूँगा, हर संभव मदद करूँगा। मोहम्मद अयूब अली उर्फ कमर खान, मैं अभी जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 27 से जीता हुआ था, आज मैंने फिर नामांकन दिया है।